ऐसा हो गया लीडर तो ऐसा हो गया जैसे बगानी औरत होती है, कोई भी छेड़ी जा रहा है, कोई भी देखी जा रहा है। हम लोग पढ़ करके आए हुए, आप भी पढ़ करके आए हुए, यूनिवर्सिटी के अंदर संघर्ष किया है। हम लोग परिवारों की बैकग्राउंड के कारण नहीं आए हुए हैं, और कोई परिवार की बैकग्राउंड के कारण भी आया होगा तो उसके भी पिताजी ने माताजी ने संघर्ष किया होगा, तब उसने परिवार की भूमिका बनाई, तब उसको परिवार का टिकट मिलकर उसको वोट पड़ता है। ऐसे नहीं पड़ता, अगर वो बदनाम होता तब नहीं पड़ता। सर आप भी इसी में है, आप भी इसी में, आप ज्यादा ही गर्म हो गया। तो इस प्रदेश के अंदर कितने लोग तनख्वाह लेने वाले हैं, दे जा रहा है कि एक तनख्वाह सुख पूजी, एक तनख्वाह सुख पूजी। लोगों ने घर बैठे कोरोना में तनख्वाह ली, तब भी कोरोना काल के अंदर पैसे नहीं दिए। आज देना सुख जी को 500-700 करोड़ तो उसी से आ जाएगा। कई बार मित्र भी हमारे हमारे को टारगेट करते हैं, कहते हैं ना गरीब दी लाड़ी, गरीब दी चोरो सब दी भाभी, ऊपर चढ़ी जा रहे सारे लीडरों के ऊपर ही चढ़ी जा रहे। एक दिन मैंने पढ़ा अखबार में के इतने इतने लीडर्स करोड़पति हैं, अब इस बाढ़ में जनता देख रही है माननीय क्या करते हैं। माननीयों ने क्या, माननीयों ने ठेका लिया हुआ है, तो MLA ने क्या कोई भिक्षा मांग करके घर चलाना क्या? कि नीति गलत नहीं हो सकती है, नीयत गलत नहीं हो सकती है। मैं जो आपको कहता हूँ कि इनकी कभी नीयत गलत नहीं हो सकती है। अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट लाने के लिए लोगों को दिया होगा, कुछ ना कुछ राहत दी होगी। हम लोग बुलाते हैं लोगों को, आप बिजली महंगी देंगे, सुखराम जी ने बोला है। आप देख लो, अच्छा आप उनसे ज्यादा पैसे लेकर के बढ़िया प्रोजेक्ट लगा दो, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुरानी बातों को क्रिटिसाइज करते रहना मुझे लगता वो अच्छा नहीं है। और उसके बाद मेरे को एक और बहुत बुरा लगा पठानिया साहब, जहां पर क्रेशर के ऊपर चर्चा आई, कई लोगों ने कहा और कई MLA ने भी उत्साह में बोला इसका क्रेशर है उसका क्रेशर है। भैया क्रेशर लगाना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है क्या विधायकों का? हम बस का परमिट नहीं ले सकते, हम होटल नहीं बना सकते, हम क्रेशर नहीं लगा सकते, हम अपने परिवार के लोगों को नौकरी नहीं दे सकते, हमारा बंदा कोई नौकरी नहीं लग सकता, तो MLA ने क्या कोई भिक्षा मांग करके घर चलाना क्या? MLA तो ऐसा मामा हो गया कि घर आया तो क्या ले आया, घर से गया तो अम्मा क्या देके गया। MLA की तो ये हालत हो गई है, जब आप लोग चुनावों में जाते हैं तो क्या हालत होती है हमारी आपकी। और अच्छा है अगर MLA ने क्रेशर लगाए हैं, MLA ने फैक्ट्री लगाई है, MLA रोजगार कर रहे हैं तो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे करके वो कम से कम करप्शन तो नहीं कर रहे होंगे। उनकी जेब में पैसा वो किसी को गरीब को दे सकते हैं, वो किसी दुखदाई को दे सकते हैं, मृत्यु पे दे सकते हैं, मुझे लगता है ये कोई गलत नहीं। और एक दिन मैंने एक अखबार में न्यूज भी पढ़ी, कई बार मित्र भी हमारे हमारे को टारगेट करते हैं, कहते हैं ना गरीब दी लाड़ी, गरीब दी चोरो सब दी भाभी, ऊपर चढ़ी जा रहे सारे लीडरों के ऊपर ही चढ़ी जा रहे। एक दिन मैंने पढ़ा अखबार में के इतने इतने लीडर्स करोड़पति हैं, अब इस बाढ़ में जनता देख रही है माननीय क्या करते हैं। वे माननीयों ने क्या, माननीयों ने ठेका लिया हुआ है। एक मिनट रो जी, उसमें अखबार में मैंने पढ़ा, पता लग गया होगा जिसने लिखा होगा, मैं नाम भी ले दूंगा, आप परवाह नहीं मार दिया जी किसी चीज की, ठीक है ना। उन्होंने लिखा कि इतने पैसे हैं, कई करोड़पति हैं, कई अरबपति हैं। भैया उनके परिवारों ने, बुजुर्गों ने मेहनत की होगी, करोड़पति हैं, कोई डाका मार के तो नहीं ले आए हुए। और माननीयों से अब उपेक्षा है कि वो बाढ़ में क्या देते हैं। हमने पूरे लोगों ने, आपने भी हमने भी अभी भी तनख्वाह दी, कोरोना में भी दी। इस प्रदेश के अंदर कितने लोग तनख्वाह लेने वाले हैं, दे जा रहा है कि एक तनख्वाह सुख पूजी, एक तनख्वाह सुख पूजी। लोगों ने घर बैठे कोरोना में तनख्वाह ली, तब भी कोरोना काल के अंदर पैसे नहीं दिए। आज देना सुख जी को 500-700 करोड़ तो उसी से आ जाएगा। अगर आप है तो आप भी ऐसा करो, मिनिमम और मैक्सिमम 10,000 गुजारा भत्ता दे दो, बाकियों की तनख्वाह बंद करो 2 महीने के लिए। हमारी भी कर दो, हमारी भी करो, उनकी भी करो, आप लोग करो सबकी। हम तैयार है, सारे के सारे MLA तैयार हो जाएंगे, करो ना आप सबकी, A to Z करो, नीचे से लेकर लिखने वालों तक करो ना सारे का सारा। ऐसा हो गया लीडर तो ऐसा हो गया जैसे बगानी औरत होती है, कोई भी छेड़ी जा रहा है, कोई भी देखी जा रहा है। हम लोग पढ़ करके आए हुए, आप भी पढ़ करके आए हुए, यूनिवर्सिटी के अंदर संघर्ष किया है। हम लोग परिवारों की बैकग्राउंड के कारण नहीं आए हुए हैं, और कोई परिवार की बैकग्राउंड के कारण भी आया होगा तो उसके भी पिताजी ने माताजी ने संघर्ष किया होगा, तब उसने परिवार की भूमिका बनाई, तब उसको परिवार का टिकट मिलकर उसको वोट पड़ता है। ऐसे नहीं पड़ता, अगर वो बदनाम होता तब नहीं पड़ता। तो उसके कारण मेरा निवेदन रहेगा कि हम इस इंस्टीट्यूशन को, हम लोग भी इस इंस्टीट्यूशन की इज्जत रखें। सारे के सारे लोग अपने ऊपर ही चढ़ी जाते हैं, एक दूसरे को ऊपर बोल ली जाते हैं। कोई और भी बोलता हुआ देखा आपने कभी? किसी व्यक्ति ने, आपकी एम्प्लाईज एसोसिएशन ने कभी बोला कि हमारे दफ्तर के अंदर ये आदमी बेईमान है जिसने गदर मचाया, इसको सस्पेंड करो? बोला कभी किसी ने? हम बोलते हैं इसको करो, तुम बोलते हैं इसको करो। हम है सबसे बड़े ईमानदार आदमी जो एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं और सच बोलते हैं, बीच में खड़ा होकर के बोलते हैं। तो उसके कारण ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति उसने को गुनाह कर दिया। सर आप भी इसी में है, आप भी इसी में आप कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया। तो इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि मैं एक दो जवाब दे देता हूँ सुखू जी को, तो बाकी बाद में कर लेंगे साहब का। तो उसके कारण मेरा ये कहना कि हमारा भी फंडामेंटल राइट है, हर फंडामेंटल राइट हमारा है, हमको क्या करना क्या नहीं करना है। हाँ, हम लोग ऐसा ना हो कि किसी विधायक का क्रेशर, वो बिल्कुल धांधली मचा रहा है वहां पर,
किसी का होटल है वो बिल्कुल धांधली मचा रहा वहां पर, क्योंकि उसके पास पावर है। ये नहीं होना चाहिए, उसको तो दूसरों से भी झुक करके रहना चाहिए, जे हम सबके ध्यान में चाहिए। लेकिन वो कर रहे हैं तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, वो भी बाकियों की तरह रोजगार दे रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। उसके कारण मुझे लगता है कि इसके ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है और ना किसी को बहुत बड़ी चीजें लिखने की जरूरत है। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें और मेरा आग्रह रहेगा सुक्कू जी, आपने एक हम लोगों को VKVNY में अधिकार दिया है कि हम लोग डंगे को अगर पंचायत लिख करके देती है कि डंगा इसी बरसात में गिरा है और प्रधान देता या पटवारी देता तो हम उसको सीधा डंगे को भी दे सकते हैं, वरना पहले हम रास्ता एवं डंगा होता था तो देते थे, नहीं तो नहीं मिलता था। आज बहुत डंगे लगने जरूरी है लोगों के जो अभी गिरे हैं, आपके एरियो में तो ज्यादा है पहाड़ों में, पर इसका अधिकार आपने दिया 24 मार्च तक। मुझे नहीं लगता कि सारा फंड हम बांध दे पाएंगे, रास्तों को भी देंगे और जगह भी देंगे, अगर इसको हम आने वाले टाइम में भी रख छोड़ेंगे ताकि लोगों के डंगे, देखो हमने भी अपने डंगे तो किसी ने भी नहीं लगाने हैं, लोगों को ही देने हैं। ये चीज ऐसी है जो लोगों को ही देनी है, जो VKVNY है, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, तो उनको देनी है। तो आगे भी इसको आप